तो चलिए फ्रेंड, आज का जो अपना टॉपिक है सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर को स्टार्ट करते हैं। यानी कि फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि वाटर को सॉफ्ट क्यों किया जाता है। यानी कि जब हम वाटर का हार्डनेस रिमूव कर देंगे, किसी ट्रीटमेंट की मदद से वाटर का हार्डनेस रिमूव करेंगे, तब जाके हमारा वाटर क्या हो जाता है, सॉफ्ट वाटर हो जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि अगर पानी का हार्डनेस ज्यादा रहेगा तो क्या इफेक्ट आने वाला है, और कितने मेथड से पानी के अंदर का जो हार्डनेस है उसको रिमूव किया जाता है, इसके बारे में हम लोग आज डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे साथ बने रहिएगा, पूरे एंड तक वीडियो देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए फ्रेंड, अभी हम लोग समझ लेते हैं कि सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर क्या होता है। तो देखिए, सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर का मतलब होता है वाटर को सॉफ्ट करना, यानी कि पानी के अंदर मौजूद हार्डनेस को किसी ट्रीटमेंट की मदद से रिमूव करने की प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर। यानी कि पहले जो हमारा पानी था वो हार्ड वाटर था, लेकिन जैसे हम लोग किसी ट्रीटमेंट की मदद से इस हार्डनेस को रिमूव कर देंगे तो पानी हमारा सॉफ्ट हो जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, हार्डनेस ऑफ वाटर क्या होता है, इसके लिए हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर वीडियो नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा। उस वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे कि हार्डनेस क्या होता है, हार्डनेस के कितने टाइप्स होते हैं, उसके बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कस किए हैं, तो प्लीज उसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पानी के अंदर बहुत सारे इंप्यूरिटीज मौजूद होते हैं, जिसमें हमारा पानी के अंदर साल्ट्स भी मौजूद होते हैं, और साल्ट्स में हमारा कैल्शियम मैग्नीशियम का जो कार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट है, सल्फेट हुआ, सिलिकेट हुआ या नाइट्रेट हो गया, ये सब चीज क्या करता है, पानी का हार्डनेस इंक्रीज करता है। यानी कि जितना अमाउंट में कैल्शियम मैग्नीशियम का कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट, सिलिकेट ज्यादा रहेगा उतना पानी का हार्डनेस ज्यादा रहेगा, और जितना अमाउंट में ये सब चीज कम रहेगा पानी के अंदर उतना हमारा हार्डनेस कम रहेगा। तो ये जो हमारा हार्डनेस होता है वो मेनली दो टाइप का होता है, उस वीडियो में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो हार्डनेस हमारा दो टाइप का होता है, एक होता है टेम्पोररी हार्डनेस और दूसरा होता है परमानेंट हार्डनेस। अभी हम लोग समझते हैं कि पानी के अंदर टेम्पोररी हार्डनेस किसके वजह से शो करता है या परमानेंट हार्डनेस किसके वजह से शो करता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि साल्ट की वजह से हमारा टेम्पोररी हार्डनेस भी होता है, परमानेंट हार्डनेस भी होता है। तो अगर पानी के अंदर कैल्शियम एंड मैग्नीशियम का कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट मौजूद हो तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेम्पोररी हार्डनेस। यानी कि हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कैल्शियम का कार्बोनेट हो गया या मैग्नीशियम का कार्बोनेट हो गया, वैसे ही कैल्शियम का बाइकार्बोनेट हो गया, मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट अगर पानी के अंदर मौजूद होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेम्पोररी हार्डनेस। सिमिलरली अगर परमानेंट हार्डनेस की बात करेंगे तो इसके बाद जो रिमेनिंग साल्ट्स हैं, जैसे कि हमारा कैल्शियम एंड मैग्नीशियम का सल्फेट हो या सिलिकेट हो या क्लोराइड हो या हमारा नाइट्रेट हो, ये सब चीज पानी के अंदर मौजूद होंगे तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, परमानेंट हार्डनेस मौजूद करते हैं। ये सब साल्ट पानी के अंदर डिजॉल्व फॉर्म में मौजूद होते हैं, यानी कि घुले हुए फॉर्म में मौजूद होते हैं। अगर इनका क्वांटिटी ज्यादा है पानी के अंदर, इनका क्वांटिटी ज्यादा है, इसका मतलब पानी के अंदर हार्डनेस भी ज्यादा है। अगर हाई हार्डनेस वाला पानी अगर हम लोग अपने डेली लाइफ में यूज करें, यानी ड्रिंकिंग, जैसे हम लोग पानी पीते हैं, ड्रिंकिंग वाटर का हार्डनेस बहुत ज्यादा हाई हो तो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट करने वाला है। क्योंकि जैसे ही हाई हार्डनेस वाला पानी पीते हैं तो ये हमारे बॉडी के अंदर क्या करता है, इचिंग प्रॉब्लम करता है, यानी कि खुजली वगैरह हमारा जो स्किन है वो ड्राई कर देता है, जिससे हमको खुजली होने लगता है। और दूसरा क्या करता है कि हमारा जो हेयर है उसको फॉल करने लगता है, यानी कि कम एज में किसी भी आदमी का देखें बाल झड़ने लगता है। इसका एक रीजन हो सकता है कि हमारा जो हार्डनेस है वो बहुत ही ज्यादा हाई है, क्योंकि लार्ज अमाउंट में हमारा कैल्शियम मैग्नीशियम क्या है, एक तरफ से प्रोटीन है। अगर लार्ज अमाउंट में अगर हम लोग प्रोटीन ले तो हमारे बॉडी के लिए वो भी हार्मफुल होता है। जैसे कि हम लोग खाना में मान लीजिए 5 रोटी खाते हैं, आपको 10 रोटी खिला दिया जाए तो आपके बॉडी की एडजस्ट नहीं कर पाएगा। सिमिलरली हमारा बॉडी को एक डिजायर्ड रेंज में हमारा प्रोटीन चाहिए, यानी कि हमारा कैल्शियम मैग्नीशियम भी क्या है, एक प्रोटीन ही है, तो हमारा डिजायर्ड रेंज में हमारा प्रोटीन चाहिए। यानी कि पानी के जो हार्डनेस होना चाहिए, जो हम ड्रिंकिंग वाटर करते हैं, उसका अगर हार्डनेस हमारा 70 से लेकर के 100 या 120 मिलीग्राम
पर लीटर हो तो हमारे बॉडी के लिए, यानी कि एक लीटर पानी में 70 मिलीग्राम से लेकर के 120 मिलीग्राम तक हार्डनेस हो तो हमारे बॉडी के लिए कोई भी इफेक्ट नहीं होने वाला है। क्योंकि ड्रिंकिंग वाटर में हमारा हार्डनेस कितना होना चाहिए, तो 70 से लेकर के 120 मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए। अगर हम लोग इससे कम हार्डनेस वाला पानी पिएंगे तो जैसे हार्डनेस कम होगा इसका मतलब कैल्शियम एंड मैग्नीशियम का भी क्वांटिटी कम होगा, और हम लोग जानते हैं कैल्शियम मैग्नीशियम क्या है, एक तरफ से प्रोटीन होता है। तो कम अमाउंट में प्रोटीन जाएगा, अगर हार्डनेस कम होगा तो कम अमाउंट में प्रोटीन जाएगा तो हमारे बॉडी के लिए और भी प्रोटीन का नीड होगा, क्योंकि हमारा बॉडी एक डिजायर्ड अमाउंट में प्रोटीन का रिक्वायरमेंट करता है। तो हम लोग कम हार्डनेस वाला पानी पिएंगे तो हमारे बॉडी को उतना अमाउंट में प्रोटीन नहीं मिल पाएगा, तो वो भी हमारा बॉडी के लिए क्या होता है, हार्मफुल होता है। इसीलिए हम लोग एक डिजायर्ड रेंज है जो इतना अगर हम लोग हार्डनेस वाला पानी पिएंगे तो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही बेस्ट होता है। अगर पानी के अंदर हार्डनेस बहुत ज्यादा हाई है तो हमारा क्या प्रॉब्लम करेगा, एक तो हमारा इचिंग प्रॉब्लम करेगा, दूसरा हमारा हेयर फॉल का प्रॉब्लम करेगा, तीसरा जब हम लोग कपड़ा सफाई करेंगे तो अच्छे से सफाई नहीं हो पाएगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पानी के अंदर अगर क्लोराइड वगैरह मौजूद है तो ये पानी का टेस्ट चेंज कर देता है। अगर लार्ज अमाउंट में क्लोराइड मौजूद होता है तो ये पानी का टेस्ट चेंज कर देगा। अगर हम लोग इस पानी से अगर खाना बनाएंगे तो हमारा जो खाना का टेस्ट है वो बदल देगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसका हार्डनेस जो है वो रिमूव करते हैं। तो हार्डनेस रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पानी के अंदर ट्रीटमेंट करते हैं। तो टेंपरेरी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए अलग ट्रीटमेंट करते हैं और परमानेंट हार्डनेस रिमूव करने के लिए अलग ट्रीटमेंट करते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, टेंपरेरी हार्डनेस यानी ये जो हार्डनेस होता है इजीली रिमूव हो जाता है, जबकि परमानेंट इसके नाम से ही पता चल रहा है इसको रिमूव करने के लिए डिफरेंट ट्रीटमेंट किया जाता है। तो देखिए टेंपरेरी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए दो मेथड का यूज होता है। पहला होता है इसको सिंपली हम लोग क्या कर देंगे, बॉइलिंग कर देंगे ना, यानी कि जो पानी जिसके अंदर ये सब चीज मौजूद होता है जैसे इसको बॉइल कर देंगे नॉर्मल, मतलब कि 100 डिग्री टेंपरेचर पे इसको अगर बॉइल कर देंगे तो ये सब जो हार्डनेस है वो हमारा इजीली रिमूव हो जाता है। जबकि अगर हम लोग पानी के अंदर अगर परमानेंट हार्डनेस है इसको अगर बॉइल करेंगे तो ये सब रिमूव नहीं होता है, बल्कि टेंपरेरी हार्डनेस रिमूव हो जाता है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे रिमूव होता है। और इसको रिमूव करने के लिए दूसरा एक मेथड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लाइम ट्रीटमेंट। लाइम ट्रीटमेंट ठीक है। सिमिलरली अगर आपको परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करना है तो इसको रिमूव करने के लिए मेनली तीन मेथड का यूज किया जाता है। पहला है लाइम सोडा ट्रीटमेंट, दूसरा होता है हमारा बेस एक्सचेंज ट्रीटमेंट, बेस एक्सचेंज, या इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम एक्सचेंज, यानी कि सॉफ्टनर की मदद से हम लोग इसका हार्डनेस रिमूव कर देते हैं, या तीसरा होता है डीमिनरलाइजेशन। तो देखिए हमारा परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए या तो हम लाइम सोडा की मदद से रिमूव कर सकते हैं, या सॉफ्टनर की मदद से ये सब जो हार्डनेस है इसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं, या डीमिनरलाइजेशन यानी कि डीएम प्लांट के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये जो प्रोसेस है इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अगर वीडियो नहीं देखे होंगे तो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, प्लीज इसको देख लीजिएगा कि इस मेथड से कैसे हम लोग ये जो हार्डनेस है इसको हम लोग रिमूव करते हैं, इसको आप लोग देख सकते हैं। इस वीडियो में इस टेंपरेरी हार्डनेस को रिमूव करके देख लेते हैं कि कैसे बॉइलिंग करने से ये हमारा टेंपरेरी हार्डनेस रिमूव हो जाता है, या दूसरा हम लोग देख लेंगे लाइम ट्रीटमेंट का भी इसमें हम लोग देख लेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे ये जो परमानेंट हार्डनेस है यानी कि लाइम सोडा से कैसे इसको ट्रीट किया जाता है, या नेक्स्ट उसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ये बेस एक्सचेंज यानी कि सॉफ्टनर यानी सोडियम एक्सचेंज प्रोसेस से कैसे इसको रिमूव किया जाता है, इस सॉफ्टनर से कैसे हम लोग हार्डनेस रिमूव करते हैं, और ये वाला तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं। तो चलिए अभी हम लोग समझते हैं। तो देखिए बॉइलिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे हम लोग के पानी के अंदर अगर ये कैल्शियम मैग्नीशियम का कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट मौजूद होते हैं और इस पानी को जैसे हम लोग गर्म करेंगे तो क्या होगा, मान लीजिए पानी के अंदर कैल्शियम बाइकार्बोनेट मौजूद है, तो मैं इसका यहां पे राइट डाउन कर दे रहा हूं कैल्शियम बाइकार्बोनेट, इसका होल ट्वाइस ले रहा हूं, और जैसे ही इसको बॉयल करेंगे यानी कि जैसे इसको हीट देंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा, यानी हीट यहां पे हम लोग क्या दे रहे हैं यानी कि पानी को बॉयल कर रहे हैं तो इसका क्या हो जाएगा, डिसोसिएशन हो जाता है यानी ये ब्रेक हो जाता है। तो ये जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट है ये कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है, तो यहां पे बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, और प्लस क्या बचेगा, तो ये इसके पास क्या बचा है, CO3 बचा, यानी कि ये बना लेगा CO2, और प्लस इसके पास O एक ऑक्सीजन बचा तो H2O बना देगा,
H2O। तो देखिए यहां पे क्या किया, ये जो हमारा बाइकार्बोनेट है पहले कार्बोनेट में कन्वर्ट हो गया। देखिए ये जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है पानी से प्रेसिपिटेट हो जाता है, अलग हो जाता है और जो हमारा पॉट के नीचे आके बैठ जाता है, यानी जो लाल लाल दिख रहा है ये क्या है, हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है जो कि पॉट के नीचे आके बैठ जाता है। और ये जो आपको CO2 दिख रहा है ये क्या होता है, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्मली जब बॉयल करेंगे तो ये उड़ जाता है। अब हमारा क्या बचा, H2O, यानी ये हो गया हमारा सॉफ्ट वाटर, क्योंकि ये पानी का जो हार्डनेस है वो हम लोग रिमूव कर दिए, तो ये क्या हो जाएगा, सॉफ्ट वाटर बन गया। तो इसी प्रोसेस को, यानी कि हम लोग क्या किए, इस सॉफ्ट टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए एक ट्रीटमेंट किए, यानी कि बॉयल किए, तो हमारा ये जो हार्डनेस है वो रिमूव हो गया। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर। तो यहाँ पे हम लोग देख लिए पहला मेथड यानी बॉइलिंग, इस टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव करने का जो दूसरा मेथड है उसको हम लोग बोलते हैं लाइम ट्रीटमेंट। और इस ट्रीटमेंट के दौरान हम लोग क्या करते हैं, इस पानी में डायरेक्टली लाइम को ऐड कर देते हैं। तो लाइम का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड, तो यहाँ पे हम लोग हाइड्रेट लाइम यूज करते हैं, यानी CaOH का ट्वाइस हम लोग डायरेक्टली पानी के अंदर ऐड करेंगे, तो ये जो हमारा जो हार्डनेस है वो रिमूव हो जाता है। तो चलिए इसको हम लोग एक एग्जांपल के मदद से देखते हैं। तो मान लीजिए पानी के अंदर क्या है, मैग्नीशियम कार्बोनेट मौजूद होता है, ठीक है, तो आप लिख दीजिए मैग्नीशियम कार्बोनेट और प्लस आप क्या किए, ये जो आपको हाइड्रेट लाइम है उसको आप ऐड कर दिए, यानी कि CaOH का होल ट्वाइस। इसका रिएक्शन कैसे होगा इसको हम लोग समझते हैं। तो देखिए इस पे हमारा क्या है, प्लस है, इस पे भी हमारा प्लस है, इस पे माइनस है, इस पे भी हमारा माइनस है, तो ये जो प्लस है इस माइनस से क्या होगा, जुड़ेगा, और ये जो प्लस है इस माइनस से जुड़ेगा, तो ये क्या बना देगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं डायरेक्ट, तो ये जो हमारा मैग्नीशियम है वो क्या बना देगा, MgOH का होल ट्वाइस बना देगा, प्लस क्या बन गया, CaCO3, यानी कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, ये क्या हो जाएगा, हमारा बॉटम में आके सिंक हो जाता है, ये दोनों इनसॉल्युबल हो जाता है, ये हमारा बॉटम में आके बैठ जाता है। यहां पर हम लोग देखे कि ये जो हमारा कार्बोनेट था वो हाइड्रो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, और हाइड्रो ऑक्साइड की वजह से कोई भी टेम्पररी हार्डनेस नहीं होता है। तो इस तरह से हम लोग टेम्पररी हार्डनेस को लाइम ट्रीटमेंट से भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दूसरा यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का। अगर पानी के अंदर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है, मैं यहां पे राइट डाउन कर दे रहा हूं, मान लीजिए MgHCO3 का होल ट्वाइस ले रहे हैं, और इसमें जैसे हम लोग लाइम डाल रहे हैं, यानी हाइड्रेट लाइम, यानी कि CaOH का होल ट्वाइस करेंगे, तो सिमिलरली इसमें क्या होगा, ये हमारा प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है, तो ये क्या करेगा, इससे कन्वर्ट कर लेगा, तो ये हमारा बना देगा, मैं यहां पे राइट डाउन कर दे रहा हूं, ठीक है, स्पेस कम होने की वजह से आप लोग एडजस्ट कीजिएगा, तो ये क्या बना देगा, MgOH यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना दिया, प्लस क्या बना देगा, ये देखिए हमारा कैल्शियम बचा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना दिया, यानी कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट का होल ट्वाइस ये हमारा बना दिया। तो देखिए ये जो हमारा कैल्शियम बाइकार्बोनेट है ये भी हमारा टेम्पररी हार्डनेस है, क्योंकि हमारा कैल्शियम बाइकार्बोनेट का मतलब क्या है, ये टेम्पररी हार्डनेस है, और इसमें जैसे हम लोग ये लाइम को ऐड करेंगे, हाइड्रेट लाइम को ऐड करेंगे, तो हमारा क्या बना लेता है इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो मैं इसको यहां से रिमूव कर दे रहा हूं, तो अभी हमारा क्या बन गया है, यहां पे कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, और प्लस क्या करना है, यहां पे हम लोग ऐड क्या किए हैं, CaOH का होल ट्वाइस, तो ये क्या बना देगा फ्रेंड्स, यहां पे आप देख लीजिए, तो देखिए यहां पे भी कैल्शियम है, यहां पे भी कैल्शियम है, तो ये क्या बना देगा, 2 times कैल्शियम, और यहां पे क्या है, 2 times कार्बोनेट है, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बना लिया, ठीक है, और प्लस क्या बचेगा, यहां पे H2 बच रहा है, और यहां पे OH का होल ट्वाइस बच रहा है, यानी यहां पे भी हमारा H2O बच रहा है, तो ये क्या बना देगा, 2 times H2O। तो यहां पे हम लोग देखें कि ये जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है ये क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा नीचे आके बैठ जाता है, इनसॉल्युबल होता है, ये हमारा प्रेसिपिटेट हो जाता है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट नीचे आके बैठ जाता है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि जो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है इसको जैसे हम लोग हाइड्रेट लाइम डालेंगे तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट में, और हम लोग जानते हैं कि पानी के अंदर कैल्शियम बाइकार्बोनेट की वजह से भी क्या होता है, टेम्पररी हार्डनेस होता है, और कैल्शियम बाइकार्बोनेट में जैसे हम लोग हाइड्रेट लाइम को ऐड करेंगे तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट में, और ये हमारा नीचे प्रेसिपिटेट हो जाता है, बैठ जाता है।
जाता है और यहाँ पे हमारा प्योर यानी कि सॉफ्ट वाटर यहाँ पे हम लोग को मिल जाता है। तो इस तरह से हम लोग देख लिए कि लाइम ट्रीटमेंट से भी हमारा सॉफ्ट वाटर प्रोड्यूस हो जा रहा है। तो इस तरह से हम लोग टेम्प्रोरी हार्डनेस यहाँ पे देख लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि लाइम सोडा ट्रीटमेंट क्या होता है, बेस एक्सचेंज ट्रीटमेंट क्या होता है। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज मेरा वीडियो लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पॉप ऑन डिस्कशन में आप लोग नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।